हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं तुषार और आप सभी का जीटी गेमिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम सिंपल ट्रेनर को जीटी 5 में कैसे इंस्टॉल करना है ये सीखने वाले हैं। सिंपल ट्रेनर मेन्यू जैसा ही एक ट्रेनर मॉड है। मेन्यू और सिंपल ट्रेनर में लगभग सेम जैसे ही ऑप्शंस है, बट कुछ ऑप्शंस इसमें आपको डिफरेंट मिलेंगे और दिखने में सिंपल ट्रेनर मेन्यू मॉड से काफ़ी अलग है। कुछ मॉड मेन्यू से ज़्यादा सिंपल ट्रेनर में अच्छे से चलते हैं, इसलिए मैं आज आपको सिंपल ट्रेनर का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। अगर आपने मेन्यू मॉड को इंस्टॉल किया है तो आप सिंपल ट्रेनर को भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये दोनों ट्रेनर आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट तो हमें सिंपल ट्रेनर को डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको इसका लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। इस मॉड को SJack327 ने बनाया है। अगर आप चाहे तो इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमें स्क्रिप्ट भी चाहिए होगा, यहाँ से इसे हमें डाउनलोड करना है। उसके बाद हमें स्क्रिप्ट भी .NET भी चाहिए होगा। अगर आपने मेन्यू मोड को इंस्टॉल किया है तो आपको स्क्रिप्ट भी और स्क्रिप्ट भी .NET डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल ट्रेनर डाउनलोड करना है। मैंने सभी फाइल्स को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। अब मैं विनरार की हेल्प से इसे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। अब मैं इसे मिनिमाइज करके गेम के डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ। गेम की डायरेक्टरी मतलब गेम जहाँ पर इंस्टॉल है वो फोल्डर। अब मैंने दोनों फोल्डर को ऐसे ओपन कर लिया है। फर्स्ट हमें स्क्रिप्ट भी में जाना है और इसमें से फर्स्ट और थर्ड वाली फाइल को हमें गेम की डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट करना है। मेरे गेम की डायरेक्टरी में ऑलरेडी अपडेटेड स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। अगर आपने बहुत दिनों से स्क्रिप्ट भी को अपडेट नहीं किया है तो आप अपडेटेड फाइल्स से इसे रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमें स्क्रिप्ट भी डॉट में जाना है। इस फोल्डर में से हमें .asi और .dll एक्सटेंशन वाली फाइल को हमें सिलेक्ट करना है और उसे गेम की डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट कर देना है। अब हम सिंपल ट्रेनर को इंस्टॉल करेंगे। इस फोल्डर में से हमें trainerv.asi और trainerv.ini वाली फाइल को गेम की डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो लीजिए, हमारा सिंपल ट्रेनर अब इंस्टॉल हो चुका है। मैं गेम को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे ओपन करना है। आपको सिंपल ट्रेनर को ओपन करने के लिए F3 बटन को प्रेस करना है। अगर F3 से नहीं होगा तो हमें शिफ्ट और F3 को एक साथ प्रेस करना है, या फिर Fn+F3। तो ऐसा सिंपल सा ही इस ट्रेनर का इंटरफेस है। हमें इसे ऊपर नीचे करने के लिए नम कीज़ का यूज़ करना है। Num2 से ये नीचे आएगा और Num8 से ऊपर। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हमें 5 को प्रेस करना है। चलो मैं आपको वांटेड लेवल को इनक्रीज करके दिखाता हूँ। इसमें कई सारे ऑप्शन मेन्यू मोड जैसे ही है, पर कुछ ऑप्शन मेन्यू मोड से अलग भी है। तो इसके सारे ऑप्शंस का ट्यूटोरियल भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको दे दूंगा। और एक लास्ट चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन्यू मोड और सिंपल ट्रेनर एक साथ भी चलते हैं, अब मैं आपको दोनों में किसी भी व्हीकल को स्पॉन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैं सिंपल ट्रेनर में कोई भी व्हीकल को स्पॉन कर लेता हूँ। अगर सिंपल ट्रेनर ऑन है तो आप F8 प्रेस करके मेन्यू मोड ओपन करोगे तो वो ऐसा ओवरलैप हो जाएगा। तो फर्स्ट हमें सिंपल ट्रेनर को क्लोज करना है। अब हम F8 प्रेस करके मेन्यू मोड को ओपन कर देंगे। अब मैं मेन्यू मोड से कोई भी व्हीकल स्पॉन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप भी इस दो ट्रेनर को एक साथ यूज़ कर सकते हो और दोनों की हेल्प से अपने मनचाहे कस्टम वीडियोस भी बना सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए जीटी गेमिंग को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।